ये इनको क्या किया कि जो सेब का मुरब्बा जैसे होता है, गाजर के मुरब्बे होते हैं, अशरफियाँ जिनको, या टूटी फ्रूटी लोग अपने वर्ड्स में बोलते हैं, तो इसको मैंने क्या किया कि इसको कट कर लिया बिल्कुल चॉप चॉप, और जाकर फाइन चॉप नहीं करने लेकिन चॉप्स करने हैं, क्यूब से छोटे हों। तो मैंने इसको क्या किया कि वॉश किया बिल्कुल अच्छे से, स्ट्रेनर में रख दिया, पानी जब इसका रिमूव हो गया तो इसको मैंने 120 सेल्सियस पे रख दिया डिहाइड्रेट होने के लिए, ताकि इसका वाटर जो है वो रिमूव हो जाए, थोड़े से नट्स जो हैं वो खुश्क हो जाएं, देखो अदरवाइज ये बिल्कुल सोगी सोगी से होते हैं। ओके तो उसके बाद जो है आप इसको अगर चाहते हैं किसी चीज़ में सोक करना तो आप किसी ड्रिंक के अंदर या आप शुगर सिरप के अंदर इसको 1-2 डेज के लिए सोक करके रखें, उसके बाद आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जिन चीज़ों के अंदर वही 4 बेसिक बेकिंग इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे उसका मेथड एक ही होगा, बटर, शुगर, फिर उसके बाद एग्स, और लास्ट में ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर लेकिन आपने नोट किया कि हमने कैस्टर शुगर ऐड की है। तो ये क्या रीजन है इसका? तो अच्छा, क्योंकि इसके अंदर भी हम डार्क ये करेंगे, ट्रिकल ऐड करेंगे। अगर आपने इसको ज्यादा यहीं पे ब्राउन करना और ट्रिकल यूज नहीं करना तो आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप आपके पास कैस्टर शुगर घर में नहीं है तो आप ग्रेनुलेटेड शुगर भी यूज कर सकते हैं, जो घरों में जो फाइन कर ले उसको फाइन करके भी यूज कर सकते हैं, और पाउडर शुगर अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई हैंड बीटर से इसको बनाना चाहता है तो वो बेहतर है कि इसके अंदर पीसी हुई चीनी जो होती है, आइसिंग शुगर, वो यूज करें। अब ये 4 एग्स जो हैं हम इसके अंदर 1 by 1 ऐड करेंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बटर एंड शुगर, 4 एग्स, 1 by 1 एग्स ऐड करेंगे इसमें। क्या ऐड कर रहे हैं? फ्लावर है। ओके। और जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सारे ऐड कर रहे हैं। हमने भी सोक किया है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने सोक नहीं किया, मैंने बल्कि ड्राई किए हैं। मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है वो शुगर सिरप, जिसको हम ट्रिकल कहते हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। ओके। अब जस्ट हमने इसको मिक्स करना है और इसको रिमूव करेंगे उसके बाद, और 2 मोल्ड्स के अंदर हम इसको फिल करेंगे। देखें बैटर इसका जो है इस कंसिस्टेंसी में होता है, ठीक होता है। इसको हम अब 2 मोल्ड्स के अंदर जो है और करेंगे, ये 35-40 मिनट्स में बेक होगा और 160 सेल्सियस के टेम्परेचर पे बेक होगा ये। डन है। इसको मैं ओवन में रख रहा हूँ। ठीक है, 40 डिग्री कहा ना आपने? 160 सेल्सियस और तकरीबन 30-40 मिनट्स। 40 मिनट्स, नॉट डिग्री, 40 मिनट्स तक। और केक मैं इसकी आइसिंग बना रहा हूँ। okay. इसके अंदर इसको आइसिंग शुगर इसमें ऐड करूँगा मैं। इसमें है? जी ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करनी है। okay. और तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाटर जाएगा। और इसको मैं अभी जो है वो कुक करूँगा, इसकी हार्ड आइसिंग बना लूँगा। और कितनी देर इसको हम वो करेंगे? लेकिन ऐसे रनी फॉर्म में होगी। हाँ, लेकिन जब ये केक ठंडा होगा या ये आइसिंग ठंडी हो जाएगी तो क्रिस्टल से बन जाएंगे इसके टॉप। तो फौरन ही वार्म केक या अगर हॉट केक होगा तब आपने फौरन स्लाइस कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा इसको कूल डाउन करना वो ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम कटिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इस टाइम कटिंग सही होगी, स्लाइस सही होंगे और आपके फ्रूट जो हैं प्रॉपरली इसमें नीट कटिंग होगी। अमेजिंग। अच्छा, और आइसिंग हम कैसे अभी करें? आइसिंग इसको प्लेटर में लगा के इसके ऊपर हल्की हल्की ड्रिजल कर। क्रिसमस फ्रूट एंड नट्स केक। अच्छा, मक्खन 250 ग्राम, कास्टर्ड शुगर 150 ग्राम, अंडे 4 से 5 अदद, ट्रैकल हसबे ज़रूरत, स्पाइसेस 1 खाने का चमचा, फ्रूट्स 500 ग्राम, मैदा 200 ग्राम।